खबर जबलपुर से। किन्नर समाज माही शुक्ला द्वारा आज कामाख्या मंदिर निर्माण हेतु ग्वारी घाट के पास मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर हेमांगी सखी भी शामिल हुई। जबलपुर में यह पहला मंदिर है जिसका निर्माण किन्नर समाज द्वारा किया गया। इस भूमि पूजन में कई किन्नर समाज के किन्नर शामिल रहे। आज जो आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कामाख्या मंदिर का, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं हमेशा सोचती थी कि कामाख्या मंदिर बनाने के लिए, तो मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही बहुत दिनों से। मैं यानी पसीना छोड़ छोड़ के उठ जाती हूँ, और कई लोगों की मैं गोद भरती हूँ, तो माता के नाम से हमेशा गोद भर जाती है, और जो पीरियड से नहीं होती हैं लड़कियाँ उनका उतारा करती हूँ माता के नाम से, तो सब हो जाता। मेरे को रोज़ 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 परेशान हो गई थी। मैं एक दिन सोची कि मंदिर बनाने के लिए, तो आज वो मौका आ गया और मैं मंदिर बना रही हूँ। कामाख्या माता का मंदिर रहेगा, और उसके लिए मेरे सब साथी लोग भी हैं, और सबको खुशियाँ उसकी, और पूजनीय मंडलेश्वर हेमांगी सखी माता जी भी आ रही हैं, और वो अभी गड्ढा था हाथ भर का गड्ढा खोद के उसके अंदर वो शेषनाग की चांदी के डालेंगी, उसके बलबूते पे ये मंदिर खड़ा होगा। क्योंकि अब शेषनाग के बलबूते पे अपन सब पूरे इंडिया है, हर जबलपुर में जितने भी है तो उन्हीं के बलबूते पे हैं, और ये मंदिर से तंत्र मंत्र जो भी आता है हम लोग को सबका उतारा किया जाएगा। कामाख्या माता का भव्य मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, और ये मंदिर को सब भी जानते हैं, ये आसाम में है, और आसाम के बाद अब यहाँ होगा, और जितने लोगों पीड़ित लोग हैं और कई लोग हैं तो ये मंदिर में आ सकते हैं। लोग जादू टोना करवाने यहाँ वहाँ जाते हैं तो लोग लूट लेते हैं यहाँ वहाँ, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो भी हो मंदिर के भरोसे पे हर चीज़ होगा, और हर लोगों का कामयाबी होगी। किसी की नौकरी नहीं लगती है, किसी को बच्चे नहीं होते हैं, और किसी के काम रुकावट है, सब इस मंदिर से होगा। ये किन्नर लोगों का वादा है कि हर चीज़ का ठीक करा जाएगा वो काम, और हर चीज़ का अच्छा होगा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम माही शुक्ला। आनंद महसूस हो रहा है कि आज भूमि पूजन हमारी बच्ची, अपना मैं नाम भूल गया, माही शुक्ला ने इतना अच्छा कार्य किया है, और मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं, आश्रम का कार्य कर रहे हैं। हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, हमारी तरफ से तन मन धन से पूरा सहयोग हमारे इन बच्चों को रहेगा, और पूरे किन्नर समाज को रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी किन्नर समाज के उत्थान के लिए जो बेड़ा उठाया है इतना बड़ा, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा तन मन धन से, और मेरा आशीर्वाद है पूरे किन्नर समाज से, क्योंकि हम जीते भी है समाज के लिए और मरते भी समाज के लिए है। किन्नर जीती समाज के लिए है और मरती भी समाज के लिए है, इसीलिए भगवद गीता में कहा है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। हमको ये देह मिला है 84 योनि के बाद, कहीं हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो चाहे हमारा ये जन्म किन्नर का क्यों ना हो, हमारा ये जीवन किन्नर जीवन क्यों ना हो, मगर हमें मनुष्य जन्म तो मिला है, तो हमारा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति एक उदाहरण का स्तोत्र हमें बनना है जीवन में। इसी तरह से माही शुक्ला एक उदाहरण का स्तोत्र जबलपुर वासियों के लिए बनी है। आज भूमि पूजन हुआ है, आने वाले टाइम में मंदिर का भी निर्माण और आश्रम का भी निर्माण होगा, और हम बहुत जल्द ओल्ड एज होम भी किन्नर समाज के लिए बनाएंगे, कि वृद्ध अवस्था में किन्नर समाज के लिए एक ओल्ड एज होम भी होना चाहिए, हॉस्टल भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी इसके ऊपर बात केंद्रीय मंत्री जी से हमारी बात हुई है, मीटिंग हुई है, और हम बहुत जल्द केंद्रीय किन्नर बोर्ड का गठन करने जाएंगे, उसमें मैं माही शुक्ला को स्थान दूँगी। किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा माता जी? मंदिर किस तरह से बनाया? खबर भारतवर्ष के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।